हेलो एवरीवन गाइस, आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर 6 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करके रखे हैं ऑफलाइन वीडियो, और तुम लोगों को पता ही है मैं इसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर 7 चैप्टर 8 में सबका ब्रेन टीजर का जो पार्ट होगा वो ऑनलाइन में तुम लोगों का क्लास लेने वाला हूँ। अभी 7 का तो खत्म हो चुका है चैप्टर 7 का, अभी 8 होगा, नेक्स्ट काल ही मैं लेने वाला हूँ। तो उसके बाद इस तरह से मैं चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, रेफरेंस बुक भी सॉल्व कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर रिविजन भी कराऊंगा लाइव क्लास में, सभी होगा लाइव क्लास में। तो गाइज चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो जो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है पहले देखो, सिंप्लीफाई मतलब ये एक बाइनोमियल है ये एक बाइनोमियल है, दोनों बाइनोमियल को कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स आएगा, तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, दैट्स व्हाई सिंप्लीफाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यूज। वेरीफाई द रिजल्ट मीनिंग क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें तो कुछ वैल्यू मिलेगा ना, उस वैल्यू में x = 2 y = -1 देख सकते हो, इस पर्टिकुलर वैल्यू को लिखना है और उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। और जो गिवन है ये, इसमें भी हमें क्या करना है, x = 2 y = -1 पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करना है और हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, दोनों तरफ हमें इक्वल दिखाना है। चलो हम करने के टाइम तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई तो करो। तो हमें क्या करना है, तुम सबको पता है कि इनके साथ ये जो पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करना, पूरा यहां पे मतलब पहले 3x को लिखो, हो गया। अब जो नेक्स्ट में बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल हो जैसा हो एज इट इज इसको लिख दो, मतलब इनटू 4x² y + 3xy² मैंने सही लिखा है नहीं, यहां पे क्या देना है, इसका मीनिंग क्या है, 3x इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई है, ये मीनिंग लेगा यहां पे, तो मतलब ये ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, 3x जो है 4x² y से भी मल्टीप्लाइड है और ये 3xy² से भी मल्टीप्लाइड है, ओके। ब्रैकेट नहीं दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, ब्रैकेट को देना मत भूलना, ओके। चलो अब नेक्स्ट -4y फिर से पूरा इसको लिखना है, 4x² y + 3xy² तो आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3x मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, मोनोमियल इनटू बाइनोमियल मतलब इसके 3x के साथ 4x² y को मल्टीप्लाई करना है, सो 3x ऐसे डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि ये ब्रेन टीजर चल रहा है। तुम लोग अभी तक चैप्टर का जो वर्कशीट है वो नहीं देखे हो तो देख लो, वहां पर मैं बहुत धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो ब्रेन टीजर मतलब थोड़ा तो फास्ट करना ही है, ठीक है ना। तो 3 × 4 न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करो फास्ट, 3 × 4 = 12। अब एक से यहां पर x² है तो सेम बेस है, तो लिखो यहां पे पावर में 1 और यहां पे 2 मतलब 3, और y तो एक ही है मतलब बस y लिख दो, यहां तक हो गया। अब 3x के साथ 3xy² को मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फिर से मल्टीप्लाई करो प्लस, और यहां पे कुछ नहीं मतलब प्लस, फिर 3 × 3 = 9 और यहां पे x^1, यहां पे भी x^1 कुछ नहीं मतलब 1, तो x^1 + 1 = 2, पावर को ऐड करना पड़ता है पता है तुम सबको। अब फिर से देखो यहां पे y² है और यहां पे कुछ नहीं मतलब सिर्फ y² लिख दो, ओके। अब बी केयरफुल बच्चों, माइनस है, माइनस मतलब हम लोग को एकदम मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल लेना कि माइनस है मतलब भीतर में सब साइन चेंज होने वाला है, माइनस मतलब हमें केयरफुल होना है, माइनस मतलब हमें संभाल के शाम को सॉल्व करना है, बी केयरफुल, ठीक है ना, तभी तुम लोगों का गलती नहीं होगा। तो माइनस मतलब हमें संभाल के करना है, तो और ऐसे भी सोच सकते हो कि भीतर में जो जो साइन होगा वो चेंज होने वाला है, मतलब यहां पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ऐसे भी सोच सकते हो, फिर से माइनस प्लस माइनस ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो 4 × 4 = 16 माइनस होगा, अब x² तो एक ही है, y और ये y मतलब y² हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ जो होता है ना वो मल्टीप्लीकेशन में होल्ड होता है, मतलब 5 × 6 भी 30 देता है और 6 × 5 भी 30 देता है, मतलब जैसे भी लिखो अरेंज करके सेम वैल्यू देगा, मतलब तुम कैसे भी लिख सकते हो, y² x² भी लिख सकते हो और x² y² भी लिख सकते हो। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट
फिर से भीतर में साइन चेंज होगा, 3 4 12 एक्स एज इट इज, वाई इंटू वाई स्क्वायर मतलब वाई क्यूब, यहाँ पे वाई वन है, ओके हो गया इक्वल्स टू। अब देखो 12 एक्स क्यूब वाई एक ही है तो उसको लिखो, ये बन गया। अब 9 एक्स स्क्वायर वाई 16 एक्स स्क्वायर वाई दोनों ही लाइक टर्म है, क्यों? उसका कोएफिशिएंट को छोड़ के अगर वेरिएबल पार्ट को देखोगे एक्स वाई एक्स का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर, यहां पे भी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, मतलब इसको कहेंगे लाइक टर्म, तो इसका कैलकुलेट हो सकता है। तो 9 - 16 क्या होगा, 7 - 7 होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये -12 एक्स वाई क्यूब, यहां तक तो बन गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब बोरिंग करना है काम, तो करना तो पड़ेगा ही। ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है दिस इक्वल्स टू दिस, देखो एक बार हम इसको पूरा एक्सप्रेस करके लिखेंगे, बाद में इतना कुछ नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जो ब्लैक में है उसको लिखो 3x - 4y इंटू 4x² y + 3xy² ये हो गया, दैट इक्वल्स टू ये वाला है ना, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिला दिस, तो लिखो यहां पे, हो गया। अब ब्लैक में जो लिखा है मैंने, अब ये दोनों इक्वल है ना, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -1 पुट करते हुए दोनों तरफ सेम न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है। अगर आ गया हम कहेंगे वेरीफाइड, अगर नहीं आया नॉट वेरीफाइड ऐसा नहीं कहना है, तब क्या करना है तुम्हें समझना है मनी मन में हम गलत है, मतलब तुमने गलत किए हो कहीं पे, तो फिर से उसका कैलकुलेशन देखना है एग्जाम के टाइम में। ऐसे नॉट सेम नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड लिख के चले मत आना, ठीक है ना। तो इसको हटाओ और बीच में एक दे दो लाइन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन राइट हैंड साइड, क्यों? क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये इक्वल के लेफ्ट साइड में है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट साइड में मतलब राइट हैंड साइड, ओके इक्वल्स टू। अब बताओ इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हुए, तो एक्स का वैल्यू 2 है तो 3 - 2 - 4 - -1, ओके बच्चों बी केयरफुल, माइनस जब भी होगा हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, तो इसलिए ब्रैकेट देना है, एक्स्ट्रा केयरफुल मतलब ब्रैकेट। अब फिर से 4x² मतलब 2² - 1, बी केयरफुल हाँ, 3 - 2 - -1² इक्वल्स टू 3 2 6। अब देखो माइनस माइनस प्लस 4 1 4, अब ये क्या होगा 4 - 4 - -1, यहाँ पे 3 - 2 - 1 हो गया, क्यों? क्योंकि पावर क्या है, पावर जो इवन है, इवन मतलब माइनस तो नहीं आएगा बाहर, पावर अगर ऑड होता तो माइनस बाहर आता, तो अब क्या होगा 10 और यहाँ पे 16 - 16, 3 2 6, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तुम लोग कर पाओगे, इंटू -10 माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस 10 - 10 = 100। अब यहाँ पे देखना है कि 100 आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आया ना तो बस प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, मतलब हमें फिर से देखना है कहीं पे गलती किया या नहीं, ओके चलो देखते हैं। अब वन एक्स मतलब 2 है तो 2³ - 1, वाई का वैल्यू जो है मैंने लिखा है। अब यहां पे देखो -7 - x² मतलब 2² y² मतलब -1² -12 - 2 - -1³, तो 12 तो होगा ये 8 होगा - 1 -7 - 4 - 1, क्योंकि पावर जो है इवन है, ओके ना -12 - 2 - -1, क्यों -1 लिखा मैंने यहां पे, कौन बताएगा बस बोलो, अगर तुम्हें पता है ना ये क्यों लिखा है मैंने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, ओके तो अभी जो है 96, अब ये माइनस आएगा, ये -28 माइनस माइनस प्लस 12 2 = 24। अब देखो -96 तो है, -28 से 24 को माइनस कर दो मतलब -4 आएगा, ये इसका वैल्यू ज्यादा है तो दोनों का साइन अब सेम है मतलब -100। बिंगो, तो इस बार तो हम बच गए, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है। तो वैल्यू सेम मतलब वेरीफाइड, ये मैंने क्यों करा था,
पावर जो है ऑड है, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। पावर अगर इवन होता तो प्लस होता है आंसर में। ओके चलो अभी नेक्स्ट। अभी देखो ये जो फास्ट क्वेश्चन था 6-1 का, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, लेंथी भी हो चुका है, तो इसलिए अभी बाकी शाम को भी करना है ना, इसलिए उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वही मेथड वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस कैलकुलेशन करना है। तो यहां पे 1/4 a² फिर पूरा ये टर्म लिखना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से पुराना वाला वीडियो देख लो, और नहीं तो रिवाइंड करके इसका ही पार्ट देख लो, समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। तो फिर प्लस बीच में जो साइन है वो लिखना है, 5/9 b² फिर a प्लस बी प्लस ए बी, गॉट इट। तो अब क्या करना है इसके साथ, इसको मतलब 1/4 a² और a मतलब a क्यूब प्लस 1/4 a² b प्लस 1/4 a² और यहां पे a मतलब a क्यूब और b, गॉट इट। प्लस 5/9 यहां पे a और यहां पे b² अरेंज करके लिखोगे तो a b² प्लस 5/9 b और b क्यूब मतलब b क्यूब मतलब b और b स्क्वायर है यहां पे और b मतलब b क्यूब प्लस 5/9 यहां पे b पहले a को लिखो b स्क्वायर और b मतलब b क्यूब आंसर है। क्यों मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे a क्यूब और यहां पे a स्क्वायर b, ab टर्म है लेकिन सब अलग है, क्यों? उसका पावर को भी चेक करना है। ए बी तो है, बेसिक जो वेरिएबल है वो तो सेम है, तुम लोग कह सकते हो सर सारे एक है, नहीं होगा क्योंकि उसका पावर जो है अलग अलग है, मतलब उसका एक्सपोनेंट है ना। देखो यहां पे 2 है और यहां पे 1, तुम लोग कहोगे सर बी का तो सेम हो गया, तो क्या हुआ, दोनों को होना है। अगर बी का सेम हो गया तो ए बोलेगा, गुस्सा करेगा ना कि मैं सेम नहीं हूं, तुम कैसे दोनों को इक्वल कर दोगे। अगर ए सेम हो गया तो बी गुस्सा करेगा कि मैं इक्वल नहीं हूं, तुम कैसे करोगे। तो दोनों मतलब सब कुछ सेम होना होगा तभी लाइक टर्म कह पाओगे, तो मतलब यही आंसर है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिखना है, राइट हैंड साइड में इसको, तो लिखो। फिर अभी देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन करना है हमें, LHS मैं बोला ना फिर से नहीं लिखूंगा, 1/4 a² प्लस 5/9 b² a प्लस b प्लस ab, बस जो वैल्यू है वो वहां पे उसको लिखते जाओ। फिर क्या आएगा बोलो, ब्रैकेट में 1/4 a² मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, एक का वैल्यू देखो 2 है वहां पे, 2 का स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5/9 b का स्क्वायर, b मतलब 3 है ये, अभी बताओ 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, फिर a मतलब 2, b मतलब 3, ab मतलब 2 × 3 = 6, ओके चलो अब 4 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, यहां पे 1 है और यहां पे 5 है, देख सकते हो ये क्या होगा, 2 3 5 5 6 11, तो 5 + 1 = 6, 6 × 11 दैट मींस 66। ये तो आ गया हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, अभी राइट हैंड साइड लिखना है हमें। तो हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करो कि बोरिंग फिर करो, बोरिंग करते जाओ, क्या है तुम्हारे पास रास्ता भी कोई नहीं है ना। चलो जगह बहुत कम है, अभी देखो कितना सारे चैलेंज है, एक तो बोरिंग कम कर रहे हैं और फिर जगह भी कम है, क्या करें, कोशिश करता हूं बड़ा बोर्ड लेने की। चलो चलो अभी तो कर देते हैं ना, 1/4 a³, a क्यूब मतलब 2 क्यूब मतलब 2 × 3 = 6 नहीं होता है, 2 × 2 × 2 को 2 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ओके मतलब 8 आएगा, प्लस 1/4 a² मतलब 4 b² मतलब 3 हो गया। अब यहां पे b केयरफुल बच्चों, धीरे 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 करना, ये दोनों हो गया। अब यहां पे 1/4 लिखा है मैंने, a क्यूब मतलब 8 × b मतलब 3 प्लस 5/9 a मतलब 2 b² मतलब 3² मतलब 9, 3 × 3 = 9 प्लस 5/9 × b³ मतलब 27, 5/9 a मतलब 2 b³ मतलब 27, मैंने सारे जो नंबर है उसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया। चलो कैंसिल करते हैं, 4 2 = 8, एक को कैरो करो उसका आंसर लिख दो नीचे, प्लस 4 कैंसिल मतलब 3 आ गया, 3 1 = 3, अब इसको 4 2 = 2 3 = 6, बी केयरफुल बच्चों धीरे धीरे करना इस जगह को, 9 कैंसिल, 5 2 = 10, अब 9 3 15,
9 3, 3 2 6, 6 5 30 इक्वल्स टू, अरे बाप रे बाप, चलो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5, 10 एंड 5 जो जो अंडरलाइन किया है उसका वैल्यू होता है 15, 15 एंड 15 30, 30 एंड 30 60, 60 एंड 6 66। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो, अपने आप से कर लो ये इसका कैलकुलेशन। सो क्या लिखना है, वो मैजिकल वर्ड हमें लिखना है, वेरीफाइड। ओके नेक्स्ट बच्चों, एक मैजिक देखना है, इसका आंसर क्या होगा पता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा x टू द पावर 6 y स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4। मैंने आंसर लिख दिया। अब तुम लोग कहो सर आपको आपने बुक देख लिया इसलिए आपने कह दिया कि इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर कोई बच्चे 8 में होगा और तुम लोग जब 8 में चले जाओगे तुम्हें तुम भी ऐसे ही कर पाओगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यूज करके मैंने करा है। चलो अब देखते हैं मैंने सही किया या गलत। तो अभी क्या करना है, इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब वाई के साथ एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस साइन जो है माइनस लिखो यहां पे, फिर वाई स्क्वायर, फिर से एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके अब इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो एक्स क्यूब और यहां पे भी एक्स क्यूब, मतलब एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 6, वाई वाई मतलब वाई स्क्वायर हो गया। अभी इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब तो आएगा ही, वाई और वाई स्क्वायर मतलब वाई क्यूब हो गया। अभी देखो ये माइनस है और ये प्लस साइन, माइनस मतलब हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, ठीक है। तो अभी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, अब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और वन मतलब वाई क्यूब। देखो एक बात मैंने यहां पे फिर से कह रहा हूं, यहां पे अरेंज करके लिख दिया मैंने, फिर माइनस प्लस माइनस और नहीं तो भीतर में साइन चेंज होने वाला है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4। ओके अब देखो सेम नंबर है, बस एक का साइन क्या है प्लस और एक का क्या है माइनस, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया ना दिस और ये दिस। तो बस यही आंसर है, तुम लोग भी कर पाओगे अगर जब तुम लोग 8 में चले जाओगे। अभी तो ऐसे ही करना है इस मेथड को फॉलो करते हुए। चलो अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बताओ एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस वन और वाई का माइनस टू, बस लिखो माइनस वन क्यूब एक्स क्यूब है इन टू वाई क्या है माइनस टू, जैसा जैसा है वैल्यू में पुट करते जाऊंगा, माइनस टू स्क्वायर और यहां पे माइनस वन क्यूब माइनस टू प्लस होगा माइनस टू स्क्वायर, सेम बस यहां पे प्लस और यहां पे माइनस सेम वैल्यू देखो, इसलिए इतने एक्सप्लेन नहीं करा है। अब माइनस वन क्यूब पावर क्या है, ऑड है मतलब माइनस साइन आएगा बाहर, माइनस वन इंटू माइनस टू ही होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे पावर वन है, वन मतलब ऑड नंबर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब पावर क्या इवन है तो ये फोर आ जाएगा, ये माइनस के लिए इस माइनस को मैंने लिखा है और ये माइनस टू का स्क्वायर मतलब फोर है, प्लस फोर प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा और यहां पे फिर से माइनस वन इंटू माइनस टू ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है और माइनस टू का स्क्वायर मतलब फोर, तो ये क्या हो जाएगा, टू आंसर टू माइनस फोर और यहां पे टू प्लस फोर टू इंटू सिक्स 12, यहां तक तो हो गया। अभी चलो राइट हैंड साइड में क्या है, ये तो आर एच एस, इसको लिखो, वैल्यू को इक्वल करना है। बच्चों एक बात फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसको इक्वल करते हुए सॉल्व करता है, ये गलत है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका करो, अगर सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे वेरीफाइड। ओके तो इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 मतलब माइनस वन टू द पावर 6, वाई स्क्वायर मतलब माइनस टू स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 मतलब माइनस टू टू द पावर 4। ओके अब यहाँ के बताओ यहाँ पे, अच्छा बच्चों एक गलती कर दिया मैंने यहाँ पे, ये प्लस टू माइनस फोर मतलब माइनस टू आएगा ना, मतलब 6 टू 12 माइनस 12 आएगा। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं, माइनस वन टू द पावर 6 मतलब तो 1 ही आएगा, 6 आएगा, मन कर रहा था 6 लिखू अच्छा चलो तो यहाँ पे 4 माइनस 2 टू द पावर 4, 4 मतलब इवन है, अब 2 को 2 के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16,
दैट मीन्स 4 माइनस 16 दैट मीन्स माइनस 12, यहाँ पे भी माइनस 12, यहाँ पे भी माइनस 12, दैट मीन्स दिस मैजिकल वर्ड, अगर ये आ गया ना मन में बहुत शांति मिलता है, नहीं तो फिर से वो बोरिंग काम करना है। अभी भी दो शाम बाकी है, चलो कर देते हैं। बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि देखो अभी ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका है, पर मैंने सोचा था कि 6 को एक ही क्वेश्चन में मतलब एक ही वीडियो में डालना है, तो अभी भी इसके बाद और एक शाम बाकी होगा तो दोनों को मैं डालूंगा जितना लेंदी होना है हो। बस मेरा ये रिक्वेस्ट है तुम लोग देखो तभी मुझे भी एंथू मिलेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा लगेगा कि चलो इस वीडियो को भी स्प्लिट कर देता हूँ, बच्चे लोग तो देखते नहीं है। तो बस एक रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखो, तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, अभी नहीं इसको स्किप कर जाओ तो तुम लोग बोलोगे सर ये वाला तो नहीं किया आपने, ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। चलो अभी जो है फिर से बाइनोमियल और यहाँ पे ट्राइनोमियल है, मल्टीप्लाई करो तो 2p के साथ क्या करना है, पूरा ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखो, दिस 12pq प्लस 9q स्क्वायर प्लस ये जो है 3q, फिर से ये ब्रैकेट में जो है लिखो दिस एंड दिस, ओके। चलो फिर क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, 2 4 8 पी और पी स्क्वायर मतलब पी क्यू प्लस 12 2 24 पी स्क्वायर क्यू, ठीक है ना, अब 9 2 18 पी क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे सारी जो साइन है ना प्लस है, एक तो अच्छी बात जो है ये कि सब प्लस है तो माइनस नहीं है, मतलब गलत होने का चांस कम है, लेकिन हमें तो ऐसे ही करते जाना है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो 3 4 12 अरेंज करके लिखो, पहले पी को लिखो पी स्क्वायर क्यूब, ओके, 4 3 36 पी क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू क्यू, ओके। अब देखो जो जो लाइक टाइम है उसके नीचे अंडरलाइन करने वाला हूं मैं, 8 PQ अभी कोई है और नहीं, अब पी स्क्वायर क्यू ये दोनों सेम है तो इन दोनों का अगर ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 36 P² Q। अभी देखो PQ² 54, ऐसा क्यों, क्योंकि ये 18 और इसका कोएफिशिएंट जो है 36, उसको ऐड करो बस 54 मिल जाएगा, ये सब तुमको पता है लाइक टर्म का कोएफिशिएंट को हमें ऐड करना पड़ता है, और सबको अंडरलाइन किया बस इसको छोड़ के, तो उसको भी लिख दो 27 QQ, बस यही आंसर है बच्चों। तो अभी क्या करना है, वो बोरिंग काम करना है करो, तो LHS, अच्छा एक काम करते ना पहले RHS को कर लेते हैं, यहाँ पे ही देखो इसी जगह से मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा स्टेप जंप करने वाला हूँ मैं, क्या करूँगा, ये तो है ना, ये है RHS, बताओ है या नहीं, जो आंसर आता है वो RHS होता है, अगर फिर से भूल गए हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लो मैंने क्या करा था, तो जो मैंने आंसर, मेरे आंसर जो निकलेगा वो RHS होता है, और जो बुक में गिवेन है वो LHS होता है, दिस वन इज LHS, ओके, एंड दैट वन इज RHS। तो क्या करेंगे हम, पहले RHS का कैलकुलेशन करेंगे, तो बस P के जगह पे Q के जगह पे हमें हाफ एंड 1/3 पुट करना है, 8 P के जगह हाफ का क्यूब, हाफ का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 36 P² मतलब 1/2 होल स्क्वायर मतलब 1/4 होगा, और क्यूब मतलब 1/3 होगा, प्लस 54 × P मतलब हाफ क्यूब मतलब क्यू स्क्वायर है मतलब 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, गलती से 9 स्क्वायर मत कर देना बेटा, मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 कर देना मत कर देना, यहाँ पे 1/9 होगा, फिर 27 लिखो क्यू क्यूब मतलब 1 2 3 टर्म और एक बाकी है, क्यूब 1/3 है उसका क्यूब मतलब 27 ही आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 1/3 का क्यूब 1/27, ओके। तो बस कैंसिल करते जाओ, दिस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 4 9 3 3 तो 3 आएगा ये, प्लस 6 3 फिर से 3 प्लस ये तो कैंसिल हो गया 1, अब बताओ 6 7 8 आ गया ना, अभी राइट हैंड साइड का तो बन गया, ये है 8, अभी LHS का बनाएंगे,
एल एच एस का बनाएंगे, वो क्या है ये वाला, ब्लैक में लिखते हैं, टू पी प्लस थ्री क्यूब फोर पी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू पी क्यू एक्चुअली प्लस नाइन क्यू स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करते जाना है, क्या है वैल्यू, पी का वैल्यू देखो हाफ है, तो बस यहां पे ब्रैकेट में टू इंटू पी का वैल्यू क्या है हाफ लिखो, प्लस थ्री इंटू क्यू का वैल्यू क्या है वन बाई थ्री हो गया। अगर माइनस होता तो एक्स्ट्रा और ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करते हम, अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी फोर पी स्क्वायर मतलब वन बाई टू का स्क्वायर मतलब वन बाई फोर क्यों हो रहा है पता है ना, वन बाई टू का स्क्वायर मतलब क्या है, वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है ऐसे, प्लस ट्वेल्व था हाँ ट्वेल्व, पी मतलब वन बाई टू, क्यू मतलब वन बाई थ्री, प्लस नाइन इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारे नंबर कैंसिल हो रहा है, तो क्या आएगा वन प्लस वन, थ्री थ्री कैंसिल मतलब वन, यहाँ पे टू टू कैंसिल मतलब वन, यहाँ पे फोर फोर कैंसिल मतलब वन, प्लस थ्री फोर जा टू जर टू आ गया, प्लस नाइन नाइन कैंसिल मतलब वन। अब देखो टू ये ब्रैकेट में और फिर से ब्रैकेट में टू थ्री फोर 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 टू जा एट, आप बताओ होफ ये भी एट आ रहा है ये भी एट आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वेरीफाई द मैजिकल वर्ड। अभी भी बोरिंग काम करना है, तुम लोग बोर हो चुके हो पता है, और बोर करना है तुम लोगों को, बस एक ही सामने बच्चों। अब जो लोग इतने देर तक रुक गए हो और बाकी भी शाम हार्डली दो से तीन मिनट लगेगा, रुक जाओ, इस बोरिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स को एक साथ खत्म करेंगे। ओके सो लेट्स सी। अब देखो इस बोरिंग काम को एक बार ही निपटाना है, तो एक बार इसका पीछा छुड़ाना तो है ही है, बस दिस इज द लास्ट वन, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो आप तो इस शाम को कर लेंगे तो बस हो जाएगा है ना, तो चलो कर लेते। पहले बाइनोमियल को हम लिखते हैं, हमेशा इस प्रोसेस को फॉलो करते, तुम लोग डायरेक्ट यहां से कर सकते हो, एम स्क्वायर एम एन प्लस एन स्क्वायर, फिर क्या करना, एम के साथ पूरा नंबर को जल्दी जल्दी कट रहा हूं क्योंकि मुझे इसको खत्म करना है और इसको नहीं खींचना है, लंबा नहीं करना है। अब माइनस है, बस जब माइनस आ जाएगा तब संभाल के चलेंगे, एम एन प्लस एन स्क्वायर, यहां तक तो बन गया। अब m के साथ m मतलब m क्यूब आएगा, इसका भी एक्चुअली ना इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं यहां पे, वो होगा m क्यूब माइनस n क्यूब, इसका भी आंसर मुझे पता है, मतलब पता है मतलब उसी फॉर्मूला अप्लाई करते हुए m क्यूब माइनस n क्यूब, ये 9 में है इसका फॉर्मूला। ओके चलो इसका हो गया, तो अब इसके साथ हो करोगे तो प्लस ही होगा, बाहर प्लस मतलब भीतर में साइन की कोई भी परवाह नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है, तो m * m m स्क्वायर n प्लस एम एन स्क्वायर, अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिखो, बाद में लाइक टाइम को फाइंड करना बहुत इजी होता है। माइनस है तो अभी हमें थोड़ा धीरे चलना है, संभल के करना है, भीतर में जो जो साइन होगा बस उसको चेंज करते जाना है, एम स्क्वायर एन मतलब माइनस एम स्क्वायर एन होगा। बेटा एक बार फिर से कह रहा हूं कि अल्फाबेटिकली अरेंज करके लिखो, तुम लोग ऐसे लिख मत देना, गलत नहीं है, बस अपने मतलब कैलकुलेशन को ईजी करना है, तो बस इस जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं उसको फॉलो करो, एन एम स्क्वायर लिख सकते हो, अरेंज करके लिख दो, एम पहले आता है ना अल्फाबेट में, तो बस उसको लिखो पहले, फिर से एम माइनस तो होगा ही प्लस मतलब चेंज होगा साइन, एम एन स्क्वायर, अब माइनस होगा फिर से ये प्लस एन क्यूब। अब चलो देखते हैं कौन कौन कैंसिल होगा, एम स्क्वायर एन बस हो गया, प्लस एक्चुअली ये प्लस और ये माइनस था इसलिए कैंसिल हुआ, फिर से प्लस एम एन स्क्वायर एम एन स्क्वायर माइनस है ये प्लस है फिर से कैंसिल हो गया, बाकी तो रह गया एम क्यूब माइनस एन क्यूब, बिंगो। चलो अभी जो वेरीफाई करना है बस बहुत ही जल्दी हो जाएगा, एल एच एस करो, इक्वल्स टू एम का वैल्यू फोर है एन का वैल्यू थ्री है, तो फोर स्क्वायर मतलब सिक्सटीन, एम का स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, प्लस फोर इंटू थ्री एम इंटू एन, एम के जगह पे एन के जगह पे वैल्यू को लिखो रिप्लेस करो, एन स्क्वायर मतलब नाइन, अब एम मतलब फोर और एन मतलब थ्री मतलब फोर माइनस थ्री, अब क्या होगा सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व प्लस नाइन
और ये तो 1 बन गया, बहुत बढ़िया है। 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो तो बस यही होगा। तो 16 प्लस 10 26, 28, 28, 9, 37। ओके, तो RHS में है क्या एक्चुअली? बस ये दोनों ही नंबर है, बहुत इजी है। एम क्यूब माइनस एन क्यूब, एन का वैल्यू बताओ 4 है, तो 4 का क्यूब, एन का वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब मतलब 64, हमें पता है एक्चुअली, तुम लोग तो याद नहीं करोगे, पता है हमें। और 3 का क्यूब 27, अब इसको कैलकुलेट करके तो 7 7 40, मतलब 7 1 कैरेट 3 3 37, तो 37 और ये भी 37। तो हमें क्या करना है, बस एक और बार हमें वो मैजिकल वर्ड लिखना है, वेरीफाइड। यस, खत्म हो गया ये बोरिंग काम। चलो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का जो सिंप्लीफिकेशन है वो करवाएंगे, देखते अगर पॉसिबल हो तो बाकी का भी कर देंगे। सो गाइस, आज और बात नहीं करना है, मैं बहुत बोर हो चुका हूं ये शाम करते करते, शायद तुम लोग भी हो चुके हो। सो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैंने लाइक क्यों कहा पता है, मैंने मस्ती करते करते तुम लोगों को पढ़ाया है तो शायद तुम लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पोर्शन जो है बहुत बोरिंग का पोर्शन है, तो इसलिए पूछ रहा हूं। अगर अच्छा लगा तो एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में। सो तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय।